अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस गाइस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलिटी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और 35 के बाद कौन सा आर्टिकल आता है, 36 से लेकर 51 तक हमारे पास आते हैं DPSP, यानी ये रिलेटेड है, इन लाइन भी एक दूसरे में आते हैं। और कुछ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी है, जैसे हमने बताया था ना वहाँ पर, क्या बताया था हमारे पास, 21A, जो हमारे पास क्या है, जो आपका एक फंडामेंटल राइट है, वो यहाँ पर भी है। 39 या कुछ और किसी आर्टिकल में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, यानी वो फंडामेंटल राइट भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, कौन से हैं, कहाँ पर क्या है, कब सस्पेंड होते हैं, वो सब की सब डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसी लेक्चर में एक दो मिनट में लास्ट पर हम डिफरेंस देखेंगे, ओवरऑल डिफरेंस देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूँगा, जो बहुत सारे लड़के मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैंने ये जूम किया अपना लोगो लास्ट पर। हर एक PDF में यूजुअली मैं ऐड ही कर लेता हूँ। देखो जितने भी मेरे PDFs हैं ना अदर देन कंप्यूटर्स, वो मैं पैड में दे देता हूँ आपको। कितने देता हूँ वो मैंने आपको बताया है। और आपको चाहिए, ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या कमेंट में अपनी ईमेल आईडी कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, वी नीड PDF, आई नीड PDF, तो मैं आपको वहाँ पर ईमेल आईडी दे सकता हूँ, यहाँ पर आप मेल कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको फ़ोनपे का अपना वो क्या बोलते हैं QR कोड भेजूँगा, वो आप स्कैन करेंगे। 10 रुपीज़ का PDF होता है, या कोई PDF 30 रुपीज़ का होता है, जैसे 30 रुपीज़ का PDF होगा, उसमें सारे रिवर्स ऑफ इंडिया जितने भी आपके लेक्चर्स हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपको कोई बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी तरह मैं अगर एक या दो लेक्चर आपको चाहिए, एक या दो PDF चाहिए आपको, किसके, कंप्यूटर्स के, वो मैं आपको फ्री देता हूँ। अगर आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर का पैकेज चाहिए, उसके लिए आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। उस 50 रुपीज़ में क्या होगा, एक तो मैं आपको वो PDF पूरा का पूरा दे दूँगा, और जितने मेरे लेक्चर्स आने वाले और होंगे उनके PDF भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। ये कॉस्ट मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे भी खर्चे निकल जाए इसके, इंटरनेट के या बुक्स, और भी मैं वाइट बोर्ड पर भी पढ़ाता हूँ, वो भी खर्चे निकल जाए, है कि नहीं। बाकी हमारे पास रहा हमारे पास जनरल इंग्लिश और रहा आपका रीजनिंग, उसका तो PDF नहीं बन पाएगा ना, वो आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बोला है, और वो मैं पढ़ाता भी हूँ वाइट बोर्ड पर फुल एक्सप्लेन, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है वाइट बोर्ड में पढ़ाने में, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट इसमें MCQ बन सकता है, जहाँ मैं बोलूँगा ये MCQ बनेगा वो बनेगा। जिस लाइन को मैं इग्नोर करूँगा वो आप पढ़ लेना थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन MCQ उसमें नहीं बन सकता है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में थे, उसके बाद हमारे पास जब ये आर्टिकल आते, उस आर्टिकल के बाद है ना 12 से लेकर 35 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आते हैं, फिर 36 से 51 तक हमारे पास क्या आते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो इसका मतलब ये हमारे पास पार्ट 4 में है, क्या है, देखो मैंने मेंशन किया है पार्ट 4 और आर्टिकल 36 to 51। ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस MCQ अगर पूछा जाए जाता है, जाता भी है या गया भी है, हर एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में या UPSC में, इवन IAS में भी पूछा जा चुका है कि किस, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक हमारे पास DPSPs है ना, किस पार्ट में है, ठीक है जी। ये क्या है, ये पार्ट 4 में है और 36 से 51 आर्टिकल के बीच में है, यानी 36 आर्टिकल से लेकर 51 आर्टिकल तक है, ठीक है जी, समझ में आ गया। 36 को इंक्लूड करके और 51 को भी इंक्लूड करके, ठीक है जी। उसके बाद नया पार्ट जो शुरू होता है वो होता है 52 से, ठीक है जी, हमने उधर नहीं जाना है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा क्या, पूरा का पूरा देख लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। देखो अगर आपको ये हेडिंग ऊपर है ना, इसी से आपको समझ में आएगा। स्टेट पॉलिसी होती है, स्टेट बोलते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसी। प्रिंसिपल्स होते हैं रूल्स, है ना, डायरेक्टिव यानी वो प्रिंसिपल्स जो डायरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसी किस लिए बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है किसके लिए, कि ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन रन करे, गवर्नमेंट को चलाए, है ना, इफेक्टिव मैनर में गवर्नमेंट को चलाए, इसलिए वो पॉलिसी फ्रेम आउट करती है। हर एक चीज़ को चलाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी फ्रेम करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको बोलते हैं। यानी अगर गवर्नमेंट को कोई रोड बनाना है उसके लिए वो पॉलिसी फ्रेम करेगी,
फंडिंग कहाँ से आएगी, कितना बनेगा, कहाँ कहाँ से बनेगा, किसको क्या देना है, कहाँ से किस किस एरिया को जोड़ा जाएगा, कहाँ कहाँ से रोड आएगा, इसके लिए मटेरियल कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट लोन लेगी, किस किस बंदे को ये कॉन्ट्रैक्ट देगी, कहाँ, इन्हें बहुत सारी चीज़ें, इस सब के लिए क्या होगी, पॉलिसी बनेगी, ये कौन बनाएगा, ये गवर्नमेंट बनाएगी पॉलिसी, इन्हीं पॉलिसी, ऐसी ही पॉलिसी हर एक फील्ड में गवर्नमेंट को बनानी चाहती बनाती है ताकि वो गवर्नमेंट चलाए, इन पॉलिसियों से फिर गवर्नमेंट चलती है, उनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब अगर देखो इतना सारा मैंने क्या लिखा है, इस पर अगर थोड़ी सी नज़र डालो, एक बार आपके लिए मैं पढ़ता हूँ, अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ से शुरू करते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी और द गाइडलाइन इज़ फॉलोड बाई द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देखो यही बात मैंने भी कही, आप दो गाइडलाइंस पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी फॉलो करती है गवर्नेंस के लिए, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट। अच्छा यहाँ एक मज़े की बात और चीज़ हो गई, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट है, यानी जस्टिसेबल है। अगर आपने वॉयलेट किया, गवर्नमेंट ने वॉयलेट किया, किसी पर्सन ने वॉयलेट किया, ए पर्सन या जिसका वॉयलेशन हुआ है वो बंदा जाकर कोर्ट में क्लेम कर सकता है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में, भाई मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया गवर्नमेंट ने या फलानी बंदे ने या फलानी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वहाँ से कोर्ट उसको क्या देगा, कोर्ट उसको ऑर्डर देगा भाई आप इसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं कर सकता, इवन ही कैन बी पुनिश्ड। कौन पुनिश हो सकता है, द पर्सन और द गवर्नमेंट, जिसने क्या किया है, जिसने फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया है किसी बंदे का, किस बंदे का, जिसने ये कोर्ट में जाकर रिट किया है कि जनाब मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में हो गया, लेकिन यहाँ उल्टा ही केस है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, ये स्टेट को डायरेक्ट करती है कि आप गवर्नमेंट कैसे चलाओगे, किस तरीके से चलाओगे, कैसे कहाँ पर क्या करोगे, कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बट ये इन्फोर्सेबल ऑफ बाई लॉ नहीं है, यानी यहाँ कोर्ट का पावर नहीं चलता है, कोर्ट का ज़ीरो पावर है, कोई बंदा जाकर कोर्ट में ये रिट नहीं कर सकता है कि यार गवर्नमेंट को ऐसे काम करना चाहिए या गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को यहाँ फंडिंग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को रोड यहाँ से बनना चाहिए, ये बंदा कोई नहीं जाकर कोर्ट में कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट के मतलब गाइडलाइंस देती है। अब गवर्नमेंट ये कैसे चलाएगी, ये अब इसमें कोई कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, गवर्नमेंट के वर्किंग प्रोसेस में वो नहीं कर सकती इंटरफेयर। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट एक क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी गवर्नमेंट को कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई गवर्नेंस में, कोई कोर्ट गवर्नमेंट को वो नहीं कर सकता है। अब आप बोलेंगे कि बहुत सारे केसेस अभी पेंडिंग है, गवर्नमेंट ये कर ये कर, देखो वो चीज़ें जो है ना वो रिलेटेड गवर्नेंस के साथ नहीं है। मान लो कभी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम ना मतलब फलानी जगह एक कोल की कान है, कोल की कान है, वो हम क्या दे देते हैं, फलानी कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं या बेच देते हैं या बंद कर देंगे, तो इसमें क्या हुआ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्चुअली नहीं है, है ना। हमने देखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशंस है, जो प्रिंसिपल्स है जो गवर्नमेंट को बताती है आप गवर्नेंस कैसे करोगे, है कि नहीं। उन पॉलिसीज़ को कोई कोर्ट इम्प्लीमेंट ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, न उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई बंदा जाकर कोर्ट पे ये कह सकता है भाई गवर्नमेंट को ये पॉलिसी क्या करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, नहीं। ये डिपेंड कर रहा है टोटली अपॉन द गवर्नमेंट, यानी शॉर्टकट में याद रखो, ये जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये जस्टिसेबल नहीं है, बट हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे पास जस्टिसेबल है। ठीक है जी, बढ़ो आगे, और एक पॉइंट भी शायद इसमें आएगा अभी। अच्छा जी, ड्यूटी ऑफ द स्टेट पॉलिसी प्रिंसिपल्स मेकिंग लॉज टू एस्टेब्लिश, है ना, ड्यूटी टू द स्टेट टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज एस्टेब्लिशिंग सोसाइटी कंट्री, यानी जब ये प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी तभी तो गवर्नेंस चलेगी, तभी तो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, है कि नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा ठीक है जी, और एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये कहाँ से गवर्नमेंट ने लिए थे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए थे, यूएसए में इनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता था, किनको, फंडामेंटल राइट्स को। यूएसए ने किससे लिए थे, मैग्ना कार्टा से, जो इंग्लैंड का किंग जॉन था उसने दिए थे बैरन्स को। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहाँ से लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने लिए हैं आयरलैंड से, आयरलैंड जिसको बोलते हैं, आयरलैंड बोलता हूँ मैं शॉर्ट में, आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड बोलो आप अच्छा रहेगा, आयरलैंड से लिए है। ठीक है जी, आयरलैंड ने कहाँ से लिए, आयरलैंड ने आगे लिए है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कहाँ से लिए है,
स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है जी, ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी कुल मिलाकर अगर मैं ऐसे बोलूँ ये यहाँ पर आ गया स्पेनिश, SPANISH, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। यहाँ से किसने लिया? आयरलैंड, आयरलैंड से किसने बोरो किया? इंडिया ने, क्या? DPSP, ठीक है जी। आगे हम आगे बढ़ लेते हैं, अब किस ये किससे रिलेटेड है हमारे पास DPSC? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर और फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी भी है ना, क्या हमारे दूसरे मुल्कों के साथ कैसे डील करनी है, कहाँ से क्या करनी है, किस तरह रिलेशन बनानी है दूसरे कंट्री के साथ, ठीक है जी। अब बढ़ो आगे, ये मैंने फिर से यहाँ पर लिखा है, ये आर्टिकल 36 से 51 के तक है और पार्ट फोर्थ में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। ये भी यही है, आयरलैंड से लिया है, बिल्कुल ठीक है। ये हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये जो हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किए, किस किस में? सोशलिस्ट, गांधीयन और इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है जी। इन तीन हेडिंग्स में इनको डिवाइड किया है, इन सारी जो ये आर्टिकल है ना, इनको इन तीन हेडिंग्स में डिवाइड किया है। कोई आर्टिकल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, कोई सिर्फ यहाँ पर है, कोई ऐसा है जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यानी ये आर्टिकल जो इसमें हैं ये तीनों में भी हो सकते हैं, दो में भी हो सकते हैं, एक में भी हो सकते हैं, जो आर्टिकल्स हमारे कहाँ से लेकर 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल्स हैं ये हमने डिवाइड किए हैं किस में? तीन हेडिंग्स में, यानी तीन टाइप्स में किए हैं, तीन टाइप्स में। अब ये जो तीन टाइप्स हैं ये याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इन तीन टाइप्स में, ये हमने बुक्स में इन तीन टाइप्स में डिवाइड किए हैं, और क्वेश्चन पूछा जाता है इन तीन टाइप्स के बारे में, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और लिखा है 36 से लेकर कहाँ तक है? 51 तक है, लेकिन वहाँ ये नहीं लिखा है कि ये तीन टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। ये हम लोगों ने किया है, बुक्स में किया है, अपनी बुक्स में अपना काम ईजी करने के लिए, हम लोगों ने पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए हमने इनको इनमें डिवाइड किया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है, इनमें डिवाइड किया है। अदरवाइज़ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें सीधे लिखा है कि 36 से लेकर 51 तक हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फिर एक एक करके लिखा है 36 क्या बोलता है, 37 क्या बोलता है, 38 क्या बोलता है, लेकिन ये हमने खुद किए हैं, ये किसी बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, देखो इसमें हमने ऐसे किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। यहाँ पर आप और ज़्यादा एक्सप्लेन आप हो सकता है, देखो ये सोशलिस्टिक है ना, जो सोसाइटी से रिलेटेड है, ये गांधीयन है जो गांधी की थॉट बताती है, गांधी क्या चाहता था इंडिया में, कैसे कौन कौन से कानून होने चाहिए, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारे लिबरल इंटेलेक्चुअल्स लोग जो थे उनके प्रिंसिपल्स उनके बेसिस पर दिए गए, उनकी थॉट पर है, ठीक है ना। इसमें ये आर्टिकल्स आते हैं 38, 39, 39, इसमें ये आते हैं इतने आर्टिकल्स, इसमें ये आते हैं। अब आप देखो क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो 41 यहाँ पर भी है, अच्छा जी ठीक है जी, 43 यहाँ पर भी है, 43 यहाँ पर भी है, इसी तरह 47 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है जी। कुछ यहाँ पर भी है, अब देखो 44 मेरे ख्याल से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यही मैं बोलना चाहता था, कोई यहाँ पर भी, यहाँ तो ये कोई इनमें से तीनों जगह पर हो सकता है, कोई आर्टिकल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, कोई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं है ना, कोई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं, यानी ये किसी जगह हो सकता, कोई तीनों में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है ना। अब एक एक करके हम इन प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेस्ड अपॉन द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। देखो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हमें क्या बताते हैं, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताऊँगा ताकि आपको याद रहे, बाकी अगर ये डिटेल आप पढ़ना भी चाहते हो PDF ले लोगे फिर खुद भी पढ़ोगे, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, उसमें MCQ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन एक तरीके से होनी चाहिए, है कि नहीं। उससे अगर आप कहीं कभी पढ़ाना भी चाहो, किसी को एक्सप्लेन करना भी चाहो, उससे आपकी मतलब वो पावर बढ़ जाएगी, एक्सप्लेनेशन पावर, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ जाएगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेस्ड अपॉन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवहुड टू ऑल द सिटीजंस, यानी सोसाइटी सोशलिस्ट क्या होता है, जो ओवरऑल सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, यानी एक सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में, ओवरऑल याद रखो ये सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, ओवरऑल हर जितनी भी सोसाइटी है इसमें कोई ये नहीं है कोई स्पेसिफिक सोसाइटी या कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पीपल, स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक रीजन, कुछ नहीं, ये ओवरऑल सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, क्या सोसाइटी की बेटरमेंट के बारे में बात करता है, कौन? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक का मतलब यही होता है जो सोसाइटी के लिए सोचे, ठीक है जी। इसमें कौन कौन से हमारे पास आते हैं, इसमें आते हैं आर्टिकल 38, 39,
39A, 41, 42, 43, 43, 43 दो बार मैंने लिखा, अच्छा 43A और 47, ठीक है जी। अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। देखो आर्टिकल 31 क्या, 38 क्या बोलता है, 38 बोलता है स्टेट प्रमोट वेलफेयर, प्रमोट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बाय सिक्योरिंग द प्रोटेक्टिंग इफेक्टिव, यानी ये ओवरऑल कहता है कि हर एक सोसाइटी के सिक्योरिटी के लिए उनकी वेलफेयर के बारे में हमें सोचना चाहिए। किन के बारे में, हर एक सोसाइटी जितने भी हमारे लोग हैं चाहे जिस रीजन में है, जिस एरिया से हो, जो जबान बोलते हैं, जो भी वो करते हो, हमें हर एक के लिए क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। उनको मिलना चाहिए क्या, मिलना चाहिए जस्टिस, मिलना चाहिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल लाइफ, हर एक चीज़ उनके पास इक्वली पहुंचनी चाहिए, यानी उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए उस सोसाइटी को, यानी सोशल जितने भी हमारे पास कुछ मतलब जितने मतलब रिसोर्सेज है उनको वो भी उन तक पहुंचने चाहिए, हर एक बंदे तक पहुंचने चाहिए, यानी कि सेलेक्ट या सेलेक्ट लोगों तक पहुंचने चाहिए, यानी उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। कैसे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दें हम, एम्प्लॉयमेंट दे दें, उनकी एरियाज़ को डेवलपमेंट करें, वाटर दे दें उनको, एजुकेशन फैसिलिटी दे दें, हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटी दे दे, हर एक फैसिलिटी उनको दे दे, ये कौन बोलता है हमारे पास, ये बोलता है जनाब आर्टिकल 38। क्या बोलता है, सोशल, ये बोलता है ओवरऑल सोसाइटी के किसके बारे में, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ओवरऑल सोसाइटी, जो हमारे पास ओवरऑल सोशलिस्टिक का कंसेप्ट है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है 39 क्या बोलता है, गिव द अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज द हेल्थ मैनर कंडीशन फ्रीडम डिग्निटी चाइल्डहुड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन मॉरल एंड मेटरनल अबोर्डेंट एंड, ठीक है जी, समझ में। यहाँ तक क्या बोलता है, ये कहता है कि बच्चों के बारे में, बच्चों को क्या कहना चाहिए, हमें उनके अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देनी चाहिए, मतलब वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं एबॉर्शन करते हैं, बेटी को जन्म लेने से पहले ही मारते हैं, वो सिस्टम, उस सिस्टम के बारे में बताया, वो नहीं होना चाहिए, है ना यार। उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से, हमारे यूथ बच्चे वो एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए, है ना। ये रिगार्डिंग द किसकी, यूथ और बच्चों के रिगार्डिंग बात करना चाहिए, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनको हर एक चीज़ मिलनी चाहिए, उनको एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, ये कौन बोलता है, 39, क्या बोलता है, 39। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास 39A, 39A क्या बोलता है, द सिटी शैल सिक्योर ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, प्रमोट जस्टिस ऑन द बेस इक्वल अपॉर्चुनिटी। अच्छा ठीक है जी, समझो ये लाइन इसमें एक इम्पॉर्टेंट याद रखती है, अगर कोई बंदा है ना जिसको मान लो कि कोई बंदा है उसको बंद किया गया, उसको अब कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है, अब उस बंदी के पास पैसे नहीं है, अब वो खुद का अपना वकील नहीं कर सकता है, तो क्या बोलता है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39A, ये बोलता है कि आपको उसको फ्री लीगल एड देनी चाहिए। फ्री लीगल एड जानते हो क्या मतलब, अगर उसके पास वकील नहीं है तो स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को उसे एक वकील करके देना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो भी बताए कि मैंने क्या किया है, क्या वो सज़ा के लायक है या उसे ऐसी वो सज़ा दी जा रही है, वो तभी पता चलेगा जब उसका वकील आएगा, वो जज के सामने बताएगा इसने ये किया ये किया। और लेकिन जब इस बेचारे के पास पैसे ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो ये वकील कहाँ से करेगा। अरे ये फैसिलिटी हमें देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल नंबर 39A, ये बोलता है कि आपको उस बंदे को फ्री लीगल एड देना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, किसी बंदे के पास वकील नहीं होता तो फिर जज क्या बोलता है उसे, क्या आपके पास वकील है, अगर नहीं है तो आप हमें बताइए, हम आपको एक वकील करके देते हैं, जज ही बोलता है, तो फिर वो उसे एक वकील करके देता है, उसको उस वकील की कोई पैसे फीस वीस नहीं देनी पड़ती है, वो गवर्नमेंट उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उसे कहते हैं फ्री लीगल एड। ये फ्री लीगल एड की बात कौन करता है, ये हमारी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी करती है, कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 39A के अंडर करता है, ठीक है जी। देखो एक एक आर्टिकल में इतने बड़ा, ये एक छोटा सा पॉइंट है ना, ये फ्री लीगल एड, इससे आपको याद रह जाएगा ये पूरा, ठीक है जी। उसके ना उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 41 आता है। आर्टिकल 41 कहता है कि अगर कोई बीमार है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, कोई गरीब है, तो उसको आपकी आपको गवर्नमेंट को उसकी मदद करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को गाइडलाइन है क्या कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए, स्पेशली ओल्ड एज पेंशन दे देनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट फंड्स दे देनी चाहिए, जो
कभी कभी यहाँ कश्मीर में दिया करते थे, कुछ लोगों के पास एक दो बार आया, फिर फार्म तो इतने भरवा दिए गवर्नमेंट ने, फार्म ही भरवा दिए, पूरे पेपर जो ख़त्म हो गए मेरे ख्याल से J&K के, लेकिन कभी किसी का फिर आया नहीं। क्या पता फंड्स की कमी हो या कुछ और हो, देखा जाएगा आगे। तो वैसे हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो कश्मीर में बहुत बढ़ गई है, ये जल्दी इंशाल्लाह कम हो जाए, तो सबको रोज़गार मिले, सबको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो उससे भी क्या होता है, उससे स्टेट भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा और खुशहाली भी आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम अपने इस 41 पर आ जाते हैं। 41 क्या बोलता है कि स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए क्या अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट फंड्स देने चाहिए, ओल्ड एज फंड्स देने चाहिए, सिक्स और डिसेबल्ड्स जितने बीमार हैं, कुछ ऐसे बीमार हैं जिनके पास मतलब लाए है, जिनके पास पैसे नहीं है, या कुछ ऐसे हैं डिसेबल्ड लोग हैं, उनको साइकिल्स दी जाती है ना आजकल, वो बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, वो जो होते हैं ना वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट देती है उनको। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 41 के अंदर वो साइकिल वाइकल अपर स्कूटी वूटी आजकल मिलती है, वो इनके अंदर दी जाती है ना, यानी टू हेल्प द नीडेड पर्सनस, नीडेड पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। कौन कौन से नीडेड? जैसे हमारे पास अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको अनएम्प्लॉयड फंड्स देने चाहिए, है ना, बेरोजगार भत्ता जिसको उर्दू में बोलते थे हम, ओल्ड एज जितने भी ओल्ड एज है उनको ओल्ड एज फंड्स देने चाहिए, है ना। सिक्स कुछ बीमार हैं उनको बीमारी में राहत मिलनी चाहिए, चाहे आप पैसे दे दो या उसका मुफ्त इलाज करवा दो या मुफ्त की दवाई दे दो या मुफ्त का ऑपरेशन करवा दो, वो भी गवर्नमेंट जब कराती है वो इसी आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल 41 के अंदर। अच्छा, डिसेबल्ड है उनको स्कूटीज एक्टिवाज या कुछ और चीज़ें मिलती है, वो भी इसी के अंदर मिलती है। ये हो गया हमारे पास आर्टिकल 41। मैं यहाँ पर फुल एक्सप्लेन करूँगा, अगर ये आर्टिकल 41 मान लो कि गांधीयन प्रिंसिपल में भी दूसरे में भी आ गया तो वहाँ मैं सीधे बता दूँगा, वहाँ मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसलिए एक एक बार में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको। ठीक है जी, अब आ जाता हूँ आर्टिकल 42, प्रोविजन जस्ट मेक ह्यूमन मेटरनल रिलीफ। अच्छा देखो, ये यहाँ पर क्या है, ह्यूमन 42 बोलता है कि अगर एक वुमेन है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, मान लो कि जी बैंक में काम कर रही है, JK बैंक में कोई लड़की काम कर रही है, औरत काम कर रही है, मेरी बहन आपकी बहन, मेरी माँ आपकी बहन, वो मेरी माँ आपकी माँ, वो काम कर रही है वहाँ पर। ठीक है जी, बहरहाल एट एवरी स्टेज वी शुड रेस्पेक्ट द वुमेन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्रीड, हमने ये हमारा फर्ज बनता है एज ए ह्यूमन बींग, इफ़ वी रेस्पेक्ट देम देन वी आर ह्यूमन, इफ़ वी डोंट रेस्पेक्ट देम देन वी आर नॉट ह्यूमन, देन फॉरगेट। वैसे मुझे लगता है आजकल के ज़माने में ह्यूमनिटी बहुत सारी कम हो गई है। ठीक है जी, चलो ठीक है, बीच बीच में ये बातें भी याद आ जाती है। ये बताता है हमारे पास आर्टिकल 42 बताता है, भाई अगर हमारी माँ या हमारी बहन किसी बैंक में काम कर रही, मान लो JK बैंक जैसे मैंने बोला था, तो उसकी शादी हो गई है, तो अब क्या हो गई, अब वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है जी, अब उसको क्या है, अब उसको कंटिन्यू वर्क पर नहीं बोल सकते हैं ना, आ जाओ आप 6 महीने के बाद, उसकी बेचारी की हालत थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो हाउ कैन शी मैनेज द वर्क, है ना, वो वर्क कैसे कर पाएगी, वहाँ तक पहुँचेगी कैसे, है ना। और ओवरऑल अगर वहाँ पर ऐसी वर्किंग कंडीशन हैं कि सीढ़ियाँ चढ़नी है तो वो बेचारी को मुश्किल है ना। ये बोलता है आर्टिकल 42, आप उसको मैटरनल रिलीफ दे दोगे वो घर में बैठेगी जब तक उसकी ये पीरियड उसका एंड हो जाएगा अच्छी तरह से, तो इंशाल्लाह उसके बाद शी विल अगेन ज्वाइन द जॉब। ऐसा नहीं कि आप उसको उसी टाइम कहोगे जाओ भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप टर्मिनेट, जैसा किसी कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, भाई जाओ अब आपकी जॉब ख़त्म है, क्या नहीं, वो तो खुद अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, लेकिन होता उनमें यही है कि वो मैटरनल लीव नहीं देती, कहती जाओ आपकी जगह अब ख़त्म, अब जाओ दूसरी जगह, यहाँ उसको बोलते हैं जाओ मैटरनल लीव पर, जब वो वापस आती है बेचारी तब तक उन्होंने दूसरे बंदे को अपॉइंट किया होता है कि नहीं। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कहती है आप इसको वर्किंग कंडीशंस अच्छे बनाओ इसके लिए, है ना, वर्किंग कंडीशंस अब एक तो अच्छे बनेंगे, जब उसका टाइम पीरियड नज़दीक हो बेचारी का उसको मैटरनल लीव दे दो। ठीक है जी, ये इसको बोलते हैं आर्टिकल 42 के अंडर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बढ़ो आगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमारे पास 43 आ जाता है। 43 बोलता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेसर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज इन पर्टिकुलर स्टेट एंड डिवेयर द प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, ये गांधी जी का भी है, ये गांधीयन में भी आपको आ जाएगा, यानी हमें अपनी लोकल जितना कल्चर है हमारी गाँव में, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ है, जो आजकल मतलब वो नमदा बनाते थे, कालीन बनाते थे, आपका शाल बनाते थे, वो शाल पे वो हाथ से सुइयों से वो काम करते, कितने सारे कश्मीर में ऐसे काम रहे छोटे छोटे, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट को
हमें मतलब गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए सॉरी इन चीज़ों को जब प्रमोट करेगी तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और जो हमारा कल्चर है वो ज़िंदा रहेगा, वो बहुत आगे पहुँचेगा और लोगों के पास पैसा भी आ जाएगा, कंट्री भी तरक्की करेगा, गांव भी तरक्की करेगा, गांव के बाद डिस्ट्रिक्ट भी करेगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट भी करेगा, स्टेट के बाद कंट्री भी करेगा। इन चीज़ों के लिए ये लॉ बनाया गया है, ये आर्टिकल आया है कौन, आर्टिकल 43, ये बताता है हमें विलेज की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, इनको प्रमोट करना चाहिए। इससे क्या होगा, लोगों की जो भी हमारी मतलब लिविंग मतलब एक वेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद आता है हमारे पास 43A। 43A देखो, ये 43A मैंने पहले सर्कल किया। पहले ज़माने में क्या होता था, मजदूर बेचारा जाता था वो काम करता था और जितने भी सारे डिसीजन रिगार्डिंग द वर्क होते थे ना एक फैक्ट्री के या किसी कंपनी के, वो मैनेजर्स क्या करते थे, मैनेजर खुद करता था। लेकिन अब ये हमारे पास आर्टिकल 43A बोलता है नहीं, आप इसको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, किसको, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग करो, जो आपका ये एम्प्लॉय है इसको भी बताओ भाई, आप भी सजेशन बताओ कैसे क्या होना चाहिए। उससे क्या होता है, हार्मनी बढ़ेगी, वर्किंग कल्चर जो है ना वो एक अच्छा बन जाएगा, उसको भी एक डिग्निटी अपने आप में महसूस हो जाएगी। वो ये नहीं समझेगा कि मैं सिर्फ यहाँ एक मजदूर हूँ और मैं एक मतलब समझ लो एक गाड़ी की तरह हूँ, इधर इधर कर रहा हूँ चीज़ों को। लेकिन जब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वो अपने आप को एक ओनरशिप की हैसियत से देखेगा। उससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी कंपनियाँ हैं वो क्या होंगी, वो तरक्कियाँ करेंगी, वो हम उनमें मतलब लेटेस्ट मतलब चेंजेस आ जाएंगे और वर्कर्स भी क्या करेंगे, वर्कर्स भी ग्रो होंगी और कंपनियां भी ग्रो हो जाएंगी हमारी पास। तभी ये बोलते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट अंडरटेकिंग्स एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री, यानी किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है जी, आ जाओ आर्टिकल नंबर 47 पर आ जाओ। आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रेज द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ स्टेट एंड इंप्रूव एंड द ब्रिंग। ठीक है जी, ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जो हर एक बंदे को क्या है उसके पास फूड पहुंचना चाहिए, फूड पहुंचना चाहिए, रेज द न्यूट्रिशनल लेवल, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड लेवल, इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ एंड इट्स प्राइमरी ड्यूटीज इन ए पर्टिकुलर स्टेट एंड डिवर चल प्रोहिबिट इंटॉक्सिंग ड्रग्स एंड ड्रग्स। देखो, हमने उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, उनको बैन करना चाहिए जिनसे नेगेटिव हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं लोगों के, वो चीज़ें हमें बैन करनी चाहिए और उन चीज़ों को अलाउ करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए स्टेट को यानी गवर्नमेंट को, जिन चीज़ों से हमारी पे क्या है हमारी सोसाइटी में और लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी और जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तभी मैं ऊपर पढ़ चुका हूँ ये जो इसमें मैंने लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ द इंडिया इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स व्हिच डायरेक्ट्स द स्टेट टू रेज द न्यूट्रिशनल लेवल्स, है ना, रेज करना न्यूट्रिशन लेवल लोगों की, इनक्रीज करना यानी अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या करना, प्रमोट करना, और वो चीज़ें जो लोगों के लिए क्या है, जो लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है उनको क्या करना, उनको बैन करना, जैसे इंटॉक्सिंग ड्रिंक्स जिसमें मतलब अल्कोहल भी आ सकता है, ड्रग्स भी आते हैं, है ना, चरस अफीम गांजा, इसको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। और जितनी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए ना, यानी जो भी लोगों के लिए बेनिफिशियल है उनको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, और जो लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, जो बेनिफिशियल चीज़ें इनको क्या करते हैं, इनको प्रिपेयर करते हैं या इनको बनाते हैं या इनमें एंगेज हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट को डिफरेंट वेज से। ठीक है जी, और जो नेगेटिव चीज़ें लाती हैं ड्रग्स वग्स, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए। ये कौन बताता है, आर्टिकल 47। मैंने यहाँ लिखा है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की डिफरेंस, ये हम लास्ट पर पढ़ेंगे। तो इसके साथ ऊपर हमारे पास एंड हो गया, तो पहला वाला कौन सा, हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अब आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल्स। मैं जूम कर लेता हूँ गांधीयन प्रिंसिपल्स। देखो गाइस, गांधीयन प्रिंसिपल्स हमारे पास वो प्रिंसिपल्स हैं जो, जैसा कि जब इंडिपेंडेंस चल रही थी, जब गांधी सोच रहा था भाई हमारे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, या जिसके लिए गांधी ने वर्क भी किया है, जैसे वो क्या करते थे, वो कहता था कि हम कपड़ा अपना पहनेंगे, अपना जो बाहर से आता है
कहाँ से इंग्लैंड से, वो नहीं पहनेंगे। यानी वो गांधी की एक थॉट थी, है ना, उसको बोलेंगे गांधीयन प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? गांधीयन प्रिंसिपल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर गांधी फोकस करता था, जिनमें गांधी ने सोचा था, जिनके बारे में गांधी सोचता था, और जिन पर गांधी जी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता था लोगों को, आप ये करो, ये चीज़ें करो, इनसे हमारी कंट्री को बेनिफिट पहुँचेगा। ठीक है जी, हम पढ़ लेते हैं एक एक करके इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 40 आता है, 43 आता है, मैंने 43 पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर। अच्छा, 43 बी आता है, 46, 47 भी मैंने पढ़ाया, 48 भी पढ़ेंगे हम। ठीक है जी, अब आ जाओ, थोड़ा सा पहले मैं टाइम देख लेता हूँ। अच्छा, 30 मिनट्स हो गया है मेरे ख्याल से ये लेक्चर, अभी हमारे पास 4 पेजेस हैं, ये भी तकरीबन 1 घंटे तक आ जाएगा। देखो आर्टिकल 40 क्या बोलता है, अगर आपको पता है, अगर आपने पढ़ा है, या हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, हम पढ़ने जा रहे हैं विलेज पंचायत के बारे में, किसके बारे में, पंचायत राज इलेक्शन, है ना, उसको हम बोलते थे 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, उसके बारे में हम वहाँ पर हम पूर्ण पढ़ेंगे। आर्टिकल 40 बोलता है कि हर एक गांव में एक पंचायत होनी चाहिए। क्या? हर एक गांव में एक पंचायत होनी चाहिए। उस पंचायत में क्या होगा, वो एक उसमें पंचस होंगे, सरपंचस होंगे, और पंचस होंगे वो क्या करेंगे, अपनी डेवलपमेंट की खुद करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स खुद देखेंगे, अपने रेवेन्यूज खुद जनरेट करेंगे, और गवर्नमेंट को अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। मुझे जहाँ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, पंचायत का क्या रोल है, पंचायत के लोग क्या करते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। ठीक है जी, ये किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 40 में आता है। ये किसका कौन सा प्रिंसिपल है, ये किसकी विश थी, ये होना चाहिए, है ना, ये गांधी जी की थी, तभी ये किस में आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको अभी बताया आर्टिकल 43 क्या बताया, कल्चर को, है ना, कॉटेज इंडस्ट्री जैसे मैंने बताया, ये गांधी जी की थी, यानी लोकल जितने भी विलेज लेवल पर हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो रेज हो जाए और हमारा कल्चर भी प्रमोट हो जाए, और हमारी जो लोकल छोटी यूनिट्स हैं वो भी ग्रो हो जाए, और इससे क्या हो जाएगा, उससे हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, बेस्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास, ये मैंने वहाँ फुल आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है जी, 43B बताऊंगा, 43B बताओ क्या बताता है, ऑटोनोमस फंक्शन इन डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब देखो, ये जो हमारे पास 43 आर्टिकल है ना, 43B, ये भी हमने पढ़ना है, किसी किसी सिलेबस में है, ये बोल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है, यानी हमारे पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं हमें उनको प्रमोट करना चाहिए, हमें उनको क्या करना चाहिए, अपलिफ्ट करने चाहिए, हमें मतलब यहाँ पर मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को उन पर फोकस करना चाहिए, किन पर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ताकि क्या हो जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपलिफ्ट हो जाए, उससे क्या हो जाती, उससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो जाए। ये कौन बताता है, ये आर्टिकल 43 बताता है। अच्छा जी, आर्टिकल 46 क्या बोलता है, आर्टिकल 46 क्या बोलता है, स्टेट शैल प्रमोट स्पेशल केयर विथ एजुकेशनल इंटरेस्ट्स वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल इन अ पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट, अच्छा शेड्यूल ट्राइब्स, अच्छा ठीक है जी, सोशल जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन। ठीक है जी, यहाँ बोलता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को खास ध्यान देना चाहिए किन लोगों की तरफ, जो इकोनॉमिकली हमारे पास वीक है, शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट्स है, हमें और दूर दराज एरियाओं में रहना चाहिए, उनके लिए हमें ना एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, यानी उनके पास उनको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन की है, हेल्थ की है, इकोनॉमी उनकी जो है ना, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी रेज होनी चाहिए, इसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, है ना, उनको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, जैसे शहर के लोगों को मिल रही है हर एक चीज़, उनको भी मिलनी चाहिए, हालांकि मिलती तो नहीं है, शहरों की कंडीशन अलग है, उस गांव दूर दराज एरियाओं की अलग है, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ये कहें कि सिर्फ सिटी में बिजली रहेगी, यानी बिजली इधर भी पहुंचनी चाहिए, वाटर इनके पास भी पहुंचनी चाहिए, हाँ, अगर स्कूल वहाँ पर सिटीज़ में बहुत हाईली स्पेसिकेटेड है, कम से कम यहाँ भी तो स्कूल्स होनी चाहिए, टीचर होनी चाहिए जो इनको पढ़ाए, है कि नहीं, भले ही वो बिल्डिंग उतनी अच्छी ना हो जितनी सिटीज़ में है, लेकिन यहाँ तो होनी चाहिए ना, है कि नहीं, इसी चीज़ की तरफ फोकस करता है हमारे पास आर्टिकल 46, और ये भी क्या है, ये हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल है। आर्टिकल 47 दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, अभी लास्ट पर पढ़ा चुका हूँ आपको, ये क्या बोलता है, स्टेट लिविंग कंडीशंस इंप्रूव अमॉन्ग द ड्यूटीज़ ऑफ द पर्टिकुलर, अच्छा टॉक्सिक ड्रिंक्स जो मैंने आपको बताया था, जो जो चीज़ बेनिफिशियल है लोगों के लिए
उसको क्या करना चाहिए, उनको गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, है ना। और जो इंटॉक्सिक हैं, जैसे इंटॉक्सिक ड्रग्स ड्रंक्स हैं, उनको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, बैन करना चाहिए उन, और जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं उनके ऊपर एक्शन करना चाहिए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं लास्ट गांधीयन प्रिंसिपल हमारे पास, वो कौन सा है, आर्टिकल 48। देखो आर्टिकल 48 क्या बोलता है, आर्टिकल 48 बोलता है जो गांधी जी की विश थी कि गाय जो है ना उसको ना स्लॉटर नहीं करना चाहिए, यानी कुछ लोग गाय को भी मारते हैं ना, ज़बह करते हैं, जैसे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात करूँगा, यानी गांधी जी यही चाहते थे कि आप चाहे जो भी खाओ लेकिन गाय के साथ वो मत करो आप, यानी गाय का ऐसे मत करो जैसे हम काटते हैं किसको, मुर्गा बकरी बकरी ये सब है ना, लेकिन वो गांधी जी का ये था कि ये गाय वाय जो है ना ये बैन होना चाहिए, है ना। अब तो खैर इंडिया में बैन हो गया, चलो एक अच्छी बात भी है। मैं एज ए मुस्लिम आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ द पीपल हु आर मुस्लिम्स कि हमें यही कहा जाता है, और मुस्लिम हमारा इस्लाम यही कहता है कि हमें वी शुड रेस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स, है ना, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, चाहे जो भी आपके साथ जैसा भी करे लेकिन एटलीस्ट वी शुड रेस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स ऑल्सो। अगर उन ये उन मतलब इससे हिंदू लोगों को ठेस पहुँचती है तो हमें ये स्टॉप करना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, ये स्टॉप द स्लॉटर ऑफ द काउज, ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमारे पास आर्टिकल 48। और हमें नई नई जनरेशन नई नई तरकीब फैसिलिटीज़ ये करनी चाहिए जिससे हमारी जो वेटनरी है, हमारी क्या है गाय है बैल है, इनकी क्या है, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए, इनकी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए, और हमारे पास इनकी तादाद भी इंक्रीज़ हो जाए, कैटल्स की तादाद इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है जी, एक तो स्लॉटर ऑफ द काउज बैन होना चाहिए, ये था 48, और दूसरा हमारे पास नई नई ब्रीड्स आनी चाहिए, और हमारे पास ये हमारे ये क्या है हमारे पास ये एनिमल्स हैं इनकी जो तादाद है ये इंक्रीज़ होनी चाहिए, नंबर्स इंक्रीज़ होनी चाहिए, है ना, साइंटिफिक मॉडर्न साइंटिफिक लाइन से। ठीक है जी, ये हो गया है हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 48। तो इसके साथ हमारे पास मेरे ख्याल से एंड हो गए, हाँ जी, गांधीयन प्रिंसिपल्स। इसके बाद आते हैं हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, जो आइडियोलॉजी बोलते हैं, किन की लिबरल बड़े बड़े जो हमारे पास बड़े थाट रखते हैं ना, बड़े 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 लिखे पढ़े लिखे लोग जिनको बोलते हैं, उनके थाट्स के ऊपर जो हमारे पास है वो क्या है, उनको बोलते हैं हम लिबरल इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं जो हाई क्लास लोग होते हैं, जिन्हें बहुत पढ़ा होता है, जिन्हें हर एक चीज़ पर नज़र होती है, जो उनके थॉट्स होते हैं ना, उनके थॉट्स पर जो हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं देखो ज़रा, कौन कौन सा आता है, आर्टिकल 44 आता है, 45 आता है, 48 जो भी पढ़ा, 48A आता है, 49 आता है, 50, 51 आता है। ठीक है जी, अब आ जाओ हमारे पास 44 क्या बोलता है, 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो इसमें हर एक जगह आज इंडिया में बात चलती है। गोवा एक स्टेट है जहां पर अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड है और कहीं नहीं है, ये मैंने पढ़ा था मतलब जब मैं ये लेक्चर बना रहा था। ठीक है जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि हमें एक यूनिक कोड होना चाहिए, यूनिक कोड जिसमें हर एक रिलीजन के फैसले हम करें, यानी अगर ट्रिपल तलाक का ये मामला हो या किसी भी मज़हब की औरत के साथ कोई ज़्यादती हो, यानी इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन आप बात करूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, उसके साथ कोई इनजस्टिस हुई हो उसके हस्बैंड की तरफ से, तो उसके लिए हमें एक यूनिक कोड होनी चाहिए। अदरवाइज़ हम देखेंगे मुस्लिम शरिया लॉ है, मुस्लिम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, हिंदू अपने हिसाब से एक्शन ले लेते हैं, अच्छा डिफरेंट रिलीजन्स अपने हिसाब से एक्शन बोलते हैं, ये बोलते हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको साइड में रखेंगे, हम एक सिंगल कोड बनाएंगे जो हर एक रिलीजन की औरत या हर एक रिलीजन के लिए एक ही सिंगल फैसला देगा। ठीक है जी, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। तो इसकी हर तरफ से क्या चल रही है, मुस्लिम्स बोलते हैं हमें इस पे एग्री नहीं है, और भी कुछ रिलीजन बोलते हैं हमें ये एग्री नहीं है, लेकिन खैर इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। खैर आप याद रखो आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिंगल कोड, क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आ जाओ आर्टिकल 45 पर, किस पर, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 बोलता है कि हमने फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए, किन की, चिल्ड्रंस की, 8 से लेकर 6 से लेकर 14 वाली बात जो है ना जो मैं बता रहा था, ये आर्टिकल 44 ये बोलता है कि हमने फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, द स्टेट सेंड एंडवर एंड प्रोवाइड विद अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फॉर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्सरी एजुकेशन
देखो एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल तक के बच्चों को हमें फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, यानी जो आर्टिकल 45 है ये आर्टिकल 21A से, ये 45 आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल 21A जो है और आर्टिकल 45 जो है ये एक ही बात कहते हैं, लेकिन ये 21A में क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, 45 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये जो चिल्ड्रन को एजुकेशन देने की बात हो रही है 8 से लेकर 14 ईयर्स की, ये हमारे पास फंडामेंटल राइट भी है, ये हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, ठीक है जी। अच्छा जी, 48 मैंने बोला अभी आपको काउज़ के बारे में, काउज़ को हमें स्लॉटर नहीं करना चाहिए, हमने ब्रीड्स इंक्रीज़ करनी चाहिए, मॉडर्न साइंटिफिक टर्म्स तरीके यूज़ करनी चाहिए इनको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए और इनकी नंबर्स भी इंक्रीज़ करने के लिए, ये गांधीयन प्रिंसिपल में भी था। इसके बाद हमारे पास आता है 44A, क्या आता है 44A, ये क्या बोलता है, एनवायरमेंट ऑफ सेफ ऑफ, ये करता है वाइल्ड लाइफ की बात, क्या करता है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्स की, यानी फॉरेस्ट्स को हमें सेव करना चाहिए और वाइल्ड लाइफ को भी हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ये कौन बोलता है, ये बोलता है 48। अभी यहाँ पर एक और बात बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये बताऊँगा, ये ऐड किया गया 42nd Amendment Act 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो इंदिरा गांधी ने किया था जब उसके बाद लगी थी, क्या लगी थी, एमरजेंसी लगी थी इंडिया में उसके बाद, ठीक है जी। ये कब ऐड हुआ था, आर्टिकल 48A, ये AB वाले सिस्टम है ना, ये आप समझ लो ये लेटर ऐड हुए हैं, ठीक है ना, ये समझ लो क्या, ये लेटर ही ऐड हुए हैं किसी न किसी अमेंडमेंट के जरिए, और ये 48 क्या बोलता है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्स की बात करता है, ये कब ऐड हुआ है, 42nd Amendment Act 1976 में ऐड हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ हमारे पास आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 हमें क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन कल्चरल हेरिटेज, देखो हमारे पास जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं ना, हमारे पास जितने भी है, ये बोलता है बहुत सारी है हेरिटेज साइट्स, या उसके बाद जितनी भी हमारे पास ओल्ड साइट्स हैं यहाँ पर इंडिया में, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है जी। आर्टिकल 50 क्या बोलता है, आर्टिकल कोर पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंस गवर्नेंस इंटरफेरेंस द फंक्शंस ऑफ द कोर पावर्स ऑफ अदर आर्गन्स, ठीक है जी। आर्टिकल डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पावर्स अंडर रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन इट स्टेट्स दैट नो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेयर्स विद इन द फंक्शंस ऑफ द कोर पावर्स ऑफ द अदर आर्गन्स, ठीक है ना, गवर्नमेंट का कोई भी, या गवर्नमेंट किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, न गवर्नमेंट का कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में कोई इंटरफेरेंस कर सकता है, ये क्या बोलता है, ये आर्टिकल 50 बोलता है। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करना है, हमें दूसरों कंट्रियों के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, कैसे इंटरनेशनल पीस में अपना रोल अदा करना है, कैसे इंटरनेशनल पीस के लिए अपनी कंट्री को, यानी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है ना इन द वर्ल्ड में, ये बताता है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कौन, आर्टिकल 51। अच्छा जी, बिफोर गोइंग टू 36 एंड 51, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो है ना, ये बड़े मटे मैंने आपको पहले ही बताया था, वो जो दानिश्वर होते हैं, साइंटिस्ट्स होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं ना, उनकी बताई हुई बातें हैं, जैसे उन्होंने बताया इसमें किसके बारे में बताया, यानी साइंटिफिक टेंपर के बारे में बताया उन्होंने, किस में बताया, साइंटिफिक टेंपर में, गवर्नेंस के बारे में इन्होंने बताया, फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया इन लोगों ने, है कि नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ के बारे में जब बताया, यानी वो कौन इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो हमारे पास इकोलॉजिस्ट्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स होते हैं कि नहीं, ये होते इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, जो मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग होते हैं ना, उनके बारे में उन्होंने बताया होगा, ठीक है जी। गांधी जी ने अपनी थाट के, गांधी थाट, गांधीयन थाट में जो थे वो गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं, सोशलिस्ट जो ओवरऑल सब सोसाइटी के बारे में सोचते हैं ना। अब हमारे पास रहते हैं कुछ हमारे पास और आर्टिकल्स जो हमने स्टार्ट्स बिगनिंग में इसमें आते हैं, लेकिन वो क्या बताते हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो आर्टिकल 36 से शुरुआत होती है, 36 भी क्या करता है, 36 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट बोलता है, जैसे पार्ट थर्ड में हमारे पास कौन सा है, 12 बताता है ना डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट में क्यों क्या है, स्टेट में क्या है, पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स हैं, और अदर यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, जैसे आपका हो गया म्यूनसिपलिटीज़ हो गया, आपका आपका पंचायत्स हो गया आपका, है ना, और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, ये सब मिलाकर क्या बनाती हैं, ये गवर्नमेंट बनाती है, इस चीज़ को क्या करते हैं, इसको हम डेफिनेशन देते हैं ओवरऑल गवर्नमेंट को, किस में देते हैं, आर्टिकल 36 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ठीक है जी। और उधर से फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स में आपका आर्टिकल 12 देता है ये डेफिनेशन, ठीक है जी। अब आ जाओ आगे,
लास्ट हमारे पास है आर्टिकल 37। 37 क्या बताता है? नॉट बी इन्फोर्सबल बाय द कोर्ट्स। अच्छा जी, ये बात मैंने आपको कहा था ना, ये नॉन जस्टिफिकेबल है, यानी फंडामेंटल राइट्स कोर्ट क्या कर सकता है? बाई फोर्स अप्लाई करवा सकता है। कोर्ट ऑर्डर देगा गवर्नमेंट को, नहीं भाई ये अप्लाई करो, ये इसका राइट है, फंडामेंटल राइट, आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर है 37, ये बताता है कि आर्टिकल 37 जो ये हमारे DPSPs हैं, ये नॉन जस्टिसेबल है। किसी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो कहे कि इनको क्या करो, आप इनको इम्प्लीमेंट करो, ये किसी कोर्ट के पास पावर नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बार फिर से रिव्यू में देख लेते हैं, किसका? DPSPA का। सबसे पहले कहाँ था? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेनिश से किसने ले लिया, बोरो किया? आयरलैंड ने किया। कब किया? 1937। तब यहाँ एक रेवोल्यूशन आया था, उसको बोलते हैं इरिश रेवोल्यूशन। इरिश रेवोल्यूशन आया था यहाँ पर, उस उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया। फिर उस इरिश रेवोल्यूशन को हमारे लोगों ने पढ़ा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उन्होंने इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में और कुछ पॉइंट्स हैं। देखो, नोवल फ्यूचर इसको किसने बोला है? B.R. अम्बेडकर ने बोला है। क्या बोला है? नोवल फ्यूचर। किसको बोला है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पहले भी थे हमारे पास अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, उसमें ये आया था। इसमें इसको क्या बोला जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के लिए। ठीक है जी, DPSP इज कर्नल, यानी एसेंशियल, कर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कर्नल होता है अंदर वाला पार्ट, जो इंटरनल पार्ट होता है, जो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, अच्छा ये जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल है, और ये जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल वाली बात किसने की थी? सबसे पहले बात ये क्वाइन की थी, ये टर्म किसने? B.N. Rao ने। क्या की थी? B.N. Rao ने। ये कौन था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या था? एडवाइज़र भी था। ठीक है, ये हम वहाँ पढ़ेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। अच्छा, जेनवलाइन एस्टिन क्या है? इसने क्या बोला था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है कॉन्सिक्वेंस ऑफ? कॉन्सिक्वेंस यानी ज़मीर। मैंने यहाँ उर्दू वाले को इंग्लिश में लिख दिया है, ज़मीर है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का ज़मीर कौन है? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये किसने बताया था? ये बनाया था गेनवलाइन एस्टिन। ठीक है जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करती है? ये रिफ्लेक्ट करती है, ये बताती है कि माइंड और मोटिव्स क्या था किनका? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, यानी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनकी दिमाग और दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, क्या था, ये बताती है हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक चेक है बैंक का, ये किसने बताया था? KT Shah ने बताया था। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 42nd Amendment में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मोर इफेक्टिव दैन फंडामेंटल राइट्स। जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, इंदिरा गांधी ने लाया था 42nd Amendment Act, उससे ज़्यादा इफेक्टिव, उससे ज़्यादा मतलब एक पावर मिली थी किसको? DPSPs को ओवर फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है जी, DPSPs इज़ ए सोशल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है जी, ये भी याद आ गया। आर्टिकल 14-19 ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर सब ऑर्डिनेट ऑफ आर्टिकल नंबर 39B। ठीक है जी, ये आप याद रखो। ओवरऑल मैं अब एक चीज़ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ये पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? हमारे पास फंडामेंटल राइट्स और इसकी डिफरेंस क्या है, इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है? नेगेटिव प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। ठीक है जी, ये मैं आपको बताया, ये क्या है? स्टेट के लिए नेगेटिव है, स्टेट के लिए पॉजिटिव है। ये स्टेट को रोकती हैं कोई काम करने से, ये स्टेट को बोलती हैं आप ये काम करो। ठीक है जी, दीज आर जस्टिसेबल, ये जस्टिसेबल है फंडामेंटल राइट्स, आप कोर्ट में रीड कर सकते हो। ये नॉन जस्टिसेबल है, आप कोर्ट में रीड नहीं कर सकते हो, है ना। एस्टेब्लिशन पोलिटिकल डेमोक्रेसी कंट्री में एस्टेब्लिश करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। एम क्या करती है? सोशल इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है जी, इसी तरह बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहो देखो मीनिंग से भी डेफिनेशन आप देख सकते, आप डिफरेंस देख सकते हो। ये क्या है? एसेंशियल फॉर द कंट्री, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस फॉर द स्टेट है। ठीक है जी, डिफाइनड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 4 में है। नेचर क्या है? ये नेगेटिव है फॉर द स्टेट, ये पॉजिटिव फॉर द स्टेट। इन्फोर्सबल लीगली, यानी कोर्ट्स इनमें मुदाखलत कर सकते हैं, कोर्ट्स के जरिए लागू किए जा सकते हैं, ये नहीं किए जा सकते, है ना। अब डेमोक्रेसी के लिए क्या है, लेजिस्लेशन क्या है,
है ना, लेजिस्लेशन का चक्कर इसमें क्या है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी लेजिस्लेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन बट रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन, यहाँ पर ज़रूरी है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है जी, तो विद दिस दिस इज़ एंड ऑफ द टुडेज़ वीडियो। जिस भी बंदे को ये PDF चाहिए होगी तो ही कैन जस्ट कॉल मी। एग्जैक्टली ये दोनों PDF, ये दोनों लेक्चर्स एक ही टाइमिंग के बन गए, मेरे ख्याल से 50-50 मिनट के बन गए। तो जिस बंदे को PDF चाहिए हो तो ही कैन जस्ट टेल मी एंड आस्क मी। दो तरीके हैं आपके पास PDF लेने के, एदर आप अपनी कमेंट्स में लिखें मुझे PDF चाहिए, वहाँ मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दे दूँ, या अदरवाइज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो मैंने ईमेल आईडी लिखी है, याद रहे ईमेल आईडी क्या है, sbclases86@gmail.com, इधर भी आप पूछ सकते हो। PDF लेने का तरीका मैंने बताया है, जितने भी हमारी ज्योग्राफी या जनरल नॉलेज के PDF है वो तो मैं पैड में दे देता हूँ 10-10 रुपीज़ के, या अगर आपको कंप्यूटर को चाहिए 1-2 लेक्चर्स का तो मैं फ्री दे सकता हूँ, अगर उससे ज़्यादा चाहिए तब आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मैं पूरा का पूरा PDF आपको दे दूँगा, चाहे वो लेक्चर अभी आया हो या नहीं आया हो, आएगा वो भी आपको सेंड करूँगा, जो अभी तक आया है वो भी आपको सेंड करूँगा। ठीक है जी।